ब्रांच चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम से रिलेटेड जीएस की 1 से 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मौके पर जो टॉपिक चल रही है वो भारत का संविधान, जिसमें कि भारत के संविधान से रिलेटेड 2 से 3 वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं। आज आखिरी वीडियो होगा भारत के संविधान का, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगी, ठीक है। इसमें आपको पूरा जीएस कवर किया जा रहा है, इतना ही पढ़ के जाएं बहुत है जीएस के लिए, ठीक है। चलिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो है यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बीडीओ का हो, चाहे मुख्य सेविका का हो, चाहे लेखपाल का, चाहे पेट का, चाहे कृषि प्राविधिक सहायक का, किसी का भी हो, जीएस एक ही रहता है, इसलिए इसमें ये बट नहीं है कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना नहीं भूलेंगे आप। देखिए, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया, तो एन संजीव रेड्डी। वैसे एन संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल है वो 1977 से 1982 है, और इसमें इन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था, जो कि भारत के ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी। भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी, तो वो थी सुचिता कृपलानी। कौन थी? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी ऐसी मुख्यमंत्री थी जो अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। मीन्स भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, तो यह है 1965। वास्तव में भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान से हाजीपीर भारत में ही है, की लड़ाई 1965 में हुई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, और जिनकी ताशकंद समझौता 1966 के बाद मृत्यु, माने ताशकंद समझौते के बाद इनकी मृत्यु भी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, विश्व के कितने देशों में मतदान अनिवार्य है, तो जो वर्तमान आंकड़े हैं उनके अनुसार 30 देशों में मतदान की प्रक्रिया अनिवार्य है, ठीक है। और जब किसी भी नागरिक द्वारा डाक द्वारा या प्रत्यक्ष रूप से मतदान नहीं किया जाता है तो उसे जुर्माना भरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, चुनाव आचार संहिता के अनुसार चुनाव के समय किसका निषेध है, तो जब चुनाव आचार संहिता लगती है तो उस समय कई बातों का निषेध होता है, जैसे झगड़ाजनक भाषण कहीं न दिया जाए, किसी का पुतला न जलाया जाए, प्रचार के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग न किया जाए, और निर्वाचन अधिकारियों का स्थानांतरण, ठीक है, इन सब का निषेध।
नेक्स्ट देखा जाए, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के लिए, उम्मीदवारी के लिए 25 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा। ठीक है, कितनी है? 25। नेक्स्ट देखा जाए, विपक्ष का नेता कैबिनेट स्तर का होता है या नहीं? तो वास्तव में विपक्ष का नेता जो है वो कैबिनेट स्तर का माना जाता है, कैबिनेट स्तर का होता है। ठीक है ना। विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त है। नेता प्रतिपक्ष पद के लिए 10% सीट अर्थात 54 सीटों का होना अनिवार्य है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखा जाए, संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है या किसे माना जाता है? तो संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है। किसको? प्रस्तावना को, क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है, क्योंकि इसमें संपूर्ण संविधान का मूल निहित है। नेक्स्ट देखा जाए, किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? वैसे शायद क्वेश्चन आ भी चुका एक बार, किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो वो स्वर्ण सिंह समिति थी। ठीक है, मूल कर्तव्यों को संविधान में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर शामिल किया गया, और इसके परिप्रेक्ष्य में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया, जबकि वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, और 11वां कौन सा है? शिक्षा से संबंधित। ठीक है, शिक्षा से संबंधित जो मूल कर्तव्य है वो 11वां मूल कर्तव्य है, और इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया। मीन्स 2002 के पहले 10 मूल कर्तव्य थे, और उसके बाद इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 2002 में शिक्षा को भी जोड़ दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो यह है राज्यसभा के पास। मीन्स यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले, तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, छोड़ना होगा निश्चित तौर पर। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने की अप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट देखा जाए, भारत में पंचायती राज्य स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य कौन हैं? यहाँ पंचायती राज्य लिख उठा है, इसको गौर करिएगा, राज्य नहीं है, राज है। ठीक है, पंचायती राज, भारत में पंचायती राज
ठीक है ना। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम दो राज्य तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। आपको बताते चलें कि पंचायती राज स्थापित करने वाले दो राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे, जिसमें 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, बहुत पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन, तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। अनुच्छेद 63 में दर्ज है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः मत देने का अधिकार भी इसे नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। देखिए एक क्वेश्चन अभी फिर ये रिपीट जैसे हुआ है, जिसके पहले भी इसी टाइप से था, लेकिन लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, तो 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितना होनी चाहिए, आप पीछे पढ़ चुके हैं, 30 वर्ष होनी चाहिए। और 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है, तो ये मतदान की उम्र घटाई गई। नेक्स्ट देखा जाए, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम कब लागू किया गया, तो सन 2006 में लागू किया गया, और ये लाया कब गया था, 2005 में। मिस महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा हेतु संसद द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लाया गया, लेकिन यह 26 अक्टूबर याद रखिएगा 26 अक्टूबर 2006 से लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था, देखिए पीछे आगे आया हुआ था, उस मैंने डिटेल में बताया था, 1966, ठीक है। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समझौता है जो 10 जनवरी 1966 को भारत पाक युद्ध 1965 वही हाजीपीर की लड़ाई के दौरान किया गया, और ताशकंद समझौता ताशकंद में किया गया जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी है, ठीक है। आगे देखा जाए, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। और अगर वहीं पूछा जाए प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो मोरारजी देसाई, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री
भारत के चौथे गृह मंत्री, याद रखिएगा, गोविंद पल्लभ पंत। चलिए आगे देखते हैं। भारत का संविधान कितने समय में लिखा गया था? तो भारत के संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। ठीक है, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी, ठीक है ना। और ये भी याद रखिए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो कुल 11 हैं। आपको इसकी जानकारी पीछे दी जा चुकी है कि पहले कुल 10 थे और बाद में एक शिक्षा का जो मूल अधिकार जोड़ा गया 2002 में, वो उसको लेके कुल 11 हो गए, ठीक है ना। और ये भी आपको बता चुके हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, उसके द्वारा भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का के तहत मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। और संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, इसको याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1972, त्रिपुरा 1972 में पूर्ण राज्य बना। त्रिपुरा एक उत्तर पूर्वी राज्य है, यह देश का तीसरा सबसे छोटा राज्य है। त्रिपुरा 1 जुलाई 1963 से केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला देखिए, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो वो थे बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी, ठीक है। बीबी गिरी डलिन यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने के लिए जब आयरलैंड गए थे, तब वे वलेरा जैसे प्रसिद्ध ब्रिटिश विद्रोही के संपर्क में आकर स्वतंत्रता के लिए चल रहे सिनफिन आंदोलन से जुड़ गए। इस कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा आयरलैंड से निष्कासित कर दिया गया। स्वतंत्र भारत में बीबी गिरी चौथे राष्ट्रपति बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम दास टंडन 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक थे, ठीक है ना। 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक। नेक्स्ट देखते हैं, किस पूर्व प्रधानमंत्री को शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। लाल बहादुर शास्त्री को जो है मैन ऑफ पीस के नाम से या शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट।
अगला है, कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? तो वैसे इटावा जिला न्यायालय और कानपुर देहात जिला न्यायालय। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ जिला न्यायिक सेवा के रूप में कार्यरत इटावा जिला न्यायालय और कानपुर देहात जिला न्यायालय है, ठीक है ना। अगला, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श के साथ होती है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के साथ परामर्श के साथ होती है। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति परामर्श के बिना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हस्तांतरण के अधिकार का प्रयोग कर सकते, ठीक है ना। और आपको एक चीज बताते चले कि वाल्टर मार्गन उत्तर प्रदेश के प्रथम उच्च न्यायाधीश और वाई बी चंद्रचूड दूसरे न्यायाधीश थे, ये भी याद रखिएगा। अगला है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को किस नाम से पुकारा जाता? तो बच्चे उन्हें चाचा चाचा करके, चाचा नेहरू चाचा नेहरू, तो इनका चाचा से फेमस है। अगला है, संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन बहस कर चुके हैं, आया था जहाँ के संविधान कितने दिनों में बना, तो हमें बताया था कि इस पर कुल 114 दिन, संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन की बहस हुई थी। और लास्ट है, संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? तो संविधान निर्माण में कुल कितना खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपये। कितना खर्च हुआ था? 63,96,729 रुपये संविधान के निर्माण में खर्च हुए थे, ठीक है। तो ये रहे संविधान से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन UP SSC में बारंबार पूछे गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में देखिए, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था या सबसे पहले जनरल साइंस जो GS की रहती है उसको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। और वीडियो भाई अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, अपने दोस्त यारों को भी शेयर करें, कोई बात हो तो कमेंट करें सॉरी। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको UP SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो उससे रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो आपको इस चैनल पर तत्काल मिल जाएगी, चाहे वो वीडियो चाहे लेखपाल किसी की भी न्यूज रिपोर्ट भी आपको एग्ज़ाम अपडेट मिलती रहेगी। और साथ में उससे रिलेटेड जो तैयारी का है वो भी आपको मदद मिलेगी इस चैनल से, ठीक है।